अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद की सीमा पर क्वारब क्षेत्र में कोसी नदी पर बना वर्षों पुराना पुल खतरे की जद में आ गया है। बीती रात हुई बारिश से पुल के बीचों बीच गड्ढा होने से खतरा बढ़ गया है। एहतियातन हाईवे पर यातायात रोक दिया गया है। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर क्वारब क्षेत्र में बने पुल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि पिलर भी जवाब देने लगे थे। वहीं रैंप पर भी खतरा बढ़ रहा था। देर रात हुई बारिश के बाद मंगलवार सुबह 7 बजे के आसपास पुल के बीचों बीच गड्ढा हो गया। आसपास के लोगों ने सूचना क्वारब चौकी पुलिस को दी तो पुलिस ने NH विभाग को सूचना दी तो खतरे को भांप आनन फानन में हाईवे पर यातायात रोक दिया गया। 1952 का बना हुआ पुल है जो कि हमारे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत 4 जनपदों के लिए जीवन रेखा है। तो इसकी हालत आज जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। बहुत लंबा टाइम अपनी 50 साल 60 साल के इसके जीवन काल हो चुका है इस पुल का। तो आने वाले समय में इसकी जगह पर कोई एक अलग कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। हम प्रशासन से इसे मांग करते कि क्षेत्रीय जन भावनाओं को देखते हुए क्षेत्र के ताकि लोगों को आगे भविष्य में ऐसी परेशानी ना हो, इसको देखते हुए इसके जल्दी पुनरुद्धार या इसकी जगह पर कोई नया पुल का काम किया जाए। खैरना बैरियर से वाहनों को वाया रानीखेत तथा अल्मोड़ा से भी वाई रानीखेत होते हुए वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई। पुल के खतरे की जद में आ जाने से खलकान NH विभाग के अधिकारी भी मौके की ओर रवाना हो गए हैं। जिस समय यह पुल बना था उस टाइम पे इतना लोड नहीं हुआ करता था। अब जैसे जैसे विकास बढ़ता गया और ऊपर को जितने विकास कार्य चल रहे हैं तो बहुत भारी वाहन यहाँ इसमें से गुजर रहे हैं और लाइफलाइन ये वाली रोड कहलाती है पूरे कुमाऊँ की, तो जाहिर सी बात है लोड इसमें बहुत ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने इसमें नया पुल भी प्रस्तावित कर दिया था, वो स्वीकृत भी हो गया है और पूरी उम्मीद है कि 1.5 साल के अंदर इसमें नया पुल भी बन जाएगा। और ये आज अचानक सुबह हो गया ये ऐसा, इसको देखते हुए शाम तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको खोल भी देंगे और फिर इसको थोड़ा और थोड़ा रिपेयर कर देंगे ताकि नया पुल बनने तक ये कामयाब काम देता रहे हमको। हालांकि निरीक्षण के बाद ही असल स्थिति सामने आएगी। इसी पुल से पर्वतीय क्षेत्रों के तमाम जनपदों को रसद व अन्य सामग्री की आपूर्ति होती है। वहीं आसपास के तमाम गाँव के लोग भी जिला मुख्यालय अल्मोड़ा इसी पुल से आवाजाही करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।